बेडशीट काफ़ी गंदा हो रखा था, तो हमने अभी बेडशीट को क्लीन किया, मतलब इसको चेंज किया है। और मुझे ये वाला बेडशीट ना काफ़ी पसंद है, लेकिन ना इसमें से ना कलर उधड़ गया है। दो तीन बार धोया उसके बाद से ना कलर एकदम मतलब ख़राब हो गया है। जिस दिन नया नया लेके आए थे नया वाला बेडशीट काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ना कलर उतर गया है इसका। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कहाँ से लिया, ऑनलाइन लिया है तो लिंक दो। तो मैंने उनको बोला ऑनलाइन भी मिलता है, ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है ऑनलाइन में मिलता है, लेकिन मैंने लिया है ये ऑफलाइन। तो गाइस देखो, मैं ना बेडशीट जो है ना बहुत महंगे वाले नहीं खरीदती हूँ। यहाँ पे जैसे बेडशीट का तो दो ढाई तीन चार इतने में मिल जाता है, मुझे ये वाला 400 का मिला था, 350 का मिला था। 400 मांग रहे थे तो 50 रुपये कम किया उन भैया ने। देखो किसी टाइम ऐसा होगा हमारा कि हम भी बहुत महंगे बेडशीट यूज़ करेंगे, बट अभी नहीं, अभी जितना बजट कर पाऊँ उतना ही बेहतर है। तो मुझे इतना शौक़ नहीं है महंगे बेडशीट का, जो है सही है, ओके है यार। सस्ते वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं और महंगे वाले तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वही हो जाता है, कबाड़ा हो जाता है दो दिन के बाद, तो इसलिए सस्ते वाले ही मस्त है। तो अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट है नहीं, सुबह हो गया था लेकिन हमने रोटी नहीं बनाया था सुबह, तो इसलिए हम अभी खा रहे हैं चिकन भात। तो सुबह एक बार खाया था हमने चाय समोसा खाया था, तो अभी मैं खा रही हूँ भात, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना काम धाम करने के लिए। उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैंने दीदी को बोला है कपड़े धोने के लिए, लेकिन वो धोती है लेकिन ना उनको आता नहीं है धोना, मशीन दो दिन में ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हस्बैंड ने बोला तुम ही करना यार, फिर दो दिन में मशीन ख़राब और हम खा नहीं पाते हैं। ये महारानी जी आके बैठ जाती है, ये देखो आ गई है पीछे मेरे, इसका ही काम है। तो यहाँ माधव सोया था, तो मैं माधव को लेके मेरे हस्बैंड खा रहे, मेरे को खाना नहीं आता है, उनको मेरे से बेटर आता है खाना। देखो यार कैसे बैठा, मैं तो बैठ भी नहीं पाती हूँ माधव को ऐसे लेके। तो चलो अभी फटाफट से हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी का बहुत सारा काम करना है। और मेरा खाना खाना हो गया है। घर पे बच्चे होते हैं ना, उनके घर पे बेड अच्छे तरीके से रखना इम्पॉसिबल हो जाता है, मुझे पता है। हाँ कोई कोई बोलेगा अब ये कमेंट सुन के, हमारे बेड तो वैसे रहते नहीं है, क्या करें, बट मेरे बेड और मैंने जितने भी बच्चों वाले घर देखे उनके बेड ऐसे रहते ही है, इस तरीके से खिलौने इधर उधर रहते ही है, क्लीन नहीं रहते हैं, हम उतने हाई फाई वाले हैं नहीं। और यहाँ ये सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, अभी इनको मशीन को ना एक चीज दिखाती हूँ पहले। हाँ बावले, ये किसका बच्चा है? पापा का बच्चा है। माधु वो गाड़ी देखने में व्यस्त है। माधु देखो, देवर, छोटे देवर। इनके साथ मजाक करके कोई फायदा नहीं, ये लोग रो देते हैं, मजाक नहीं समझते हैं। ओह गॉड, तो शरा शरा दो शुको लो शरण लग बिना ई ना मेला। तो अभी मैं बना रही हूँ हम सबके लिए लंच। तो लंच में आज जो है आलू शीतो, और मम्मी ने भेजा है सब्जी। तो
मैंने अपने ससुर जी के लिए थोड़ा रोटी बनाया है, मतलब दोनों के लिए, सास ससुर दोनों के लिए रोटी बना रही हूँ मैं। दोपहर को भी रोटी देती हूँ, सुबह भी देती हूँ, रात को कभी, मतलब तीन टाइम रोटी उतना होता नहीं, लेकिन दो टाइम तो होता ही है, चाहे जिस टाइम भी दो, लेकिन दो टाइम रोटी देती हूँ मैं। तो आज ना हमारा आज इनवाइटेड है, तो आज मैं रात को दे नहीं पाऊँगी रोटी, इसलिए मैंने क्या किया, दोपहर को ही रोटी बना के दे दिया है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अपना कर्तव्य मैं करता हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं कर्तव्य नहीं, मैं अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। मुझे लोगों के जैसे वो कर्तव्य करना नहीं आता है, क्योंकि वो लोग वो कर्तव्य ना करते नहीं है, लेकिन मैं जो करती हूँ ना वो फ़र्ज़ होता है, तो फ़र्ज़ मैं ज़रूर करती हूँ। मैं अपना जितना फ़र्ज़ होता है ना, एक बहू होने का फ़र्ज़, वो मैं पूरा अदा करती हूँ। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, बोलते हैं ना कि मैं तो बस अपना कर्तव्य ही करूँगी या करूँगा, सो वो जो बातें हैं ना, वो मुझे एकदम बाहियात लगती है, मतलब दिखावे छलावे की बातें। सच बात तो ये है कि आप अपना फ़र्ज निभाओ, आप जो हो उस चीज़ को निभाओ तो ही अच्छा लगता है। तो मैं ना अपने सास ससुर के लिए बहू बेटी जो भी है, वो जो भी मानते हैं वैसा रहती हूँ मैं। तुलसी का पत्ता तोड़ के ये ना सारा दिन इसको पीस पीस के खिलाऊंगी मैं, काढ़ा बना के। और ये भी जा रहे हैं मम्मी पापा को खाना देने के लिए। और यहाँ माधव सोया है। मेरे हस्बैंड की सबसे गंदी आदत देखो, भीगा टॉवल यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे देखो माधव सो रहा है, और यहाँ पे हमारा लंच परोसा जा रहा है। अपना नहीं तो मेरे वाला शाम को बना दूंगा। तो इसमें है क्या है पता है क्या है? हाँ, आज हमारा पार्टी है मेरे दोस्त के घर में। पार्टी इनवाइटेड, इनवाइट। वो लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे ना कि इनवाइट करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था, आज मौका मिल गया। और बाहर देखो धूप, धूप में खाना खाने का मन कर रहा है, लेकिन ना माधव सोया है इसलिए खा नहीं पाएंगे हम। हाँ और देखो माधव का ढेर सारा कपड़ा धो दिया, ड्रायर किया था ना, और सूख जाएगा फिर। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और अभी हम ना यहाँ बैठे हैं, हम सीढ़ी पे, माधव के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बैठना। बाल को भी खोल लेती हूँ, सूख जाएगा। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ बैठ के लैपटॉप चला रहे हैं। हमने ना आज एक मूवी लिया है, कल रात को लिया था, ब्रह्मास्त्र। तो वो अभी देखेंगे, अभी कब देखेंगे पता नहीं, लेके तो रख दिया है बट अभी देखा नहीं है मैंने। तो काफ़ी सारे मूवी, एक मूवी है ना पंचायत 2, वो भी लेना है, वेब सीरीज है वो, द हॉट टू अवस्था, देख सो। देखो मैं बैठी हूँ, इसका मतलब इसको भी बैठना है। मैं इंसान हूँ मतलब ये भी इंसान है।